नाबालिग को दुष्कर्म के बाद जिंदा दफनाने का मामला सामने आया है। अदालत ने आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15,000 जुर्माने का भी अधिरोपित किया। जनवरी 2021 में सारणी थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। नाबालिग जिंदा खेत की मोटर का स्विच बंद करने गई थी। पड़ोस के खेत में घास लगाकर बैठे आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया, उसे बुरी तरह पीट कर पत्थरों के नीचे दफना दिया। पीड़िता के शरीर पर 21 से ज्यादा घाव भी मिले हैं। नागपुर में कई महीनों तक पीड़िता का इलाज भी चला। इस मामले को जघन्य व सनसनीखेज प्रकरण की सूची में रखा गया था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रेखा चंद्रवंशी की अदालत ने यह सजा सुनाई। जब मुलजिम रात को ही पकड़ा गया था, अगर इसको अगर अपन मुलजिम माने तो 6 बजे की घटना बताई जा रही है, 9 बजे इसको पुलिस ने पकड़ लिया है और दूसरे दिन इसको न्यायालय में पेश कर दिया है, जेल भिजवा दिया। उसके 3-4 दिन बाद तक के एसपी साहब के पास गांव वाले का आना, पीड़ित पक्षकार का आना और सीबीआई जांच की मांग करना, और उन्होंने ये भी लिखा है कि आरोपी गन को, ये शब्द उन्होंने बोला है, पेपर में भी है कि आरोपी गन को पुलिस वाले पकड़ नहीं रहे हैं। तो आरोपी गन यानी दो से अधिक व्यक्ति है इसमें, और पुलिस वाले ने जो है पब्लिक की वाहवाही लूटने के लिए और एरिया में जिस तरह से सनसनी फैली थी इसको ये करने के लिए सही विवेचना नहीं की, इसमें मुलजिम जो है और है मुलजिम। जनवरी 2021 में ये लड़की, 14 वर्षीय लड़की, अपने खेत में पानी के ट्यूबवेल के स्विच बंद करने गई शाम के समय। आरोपी ने मौका पाके उसको पकड़ के खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और बहुत बुरी तरह उसके साथ मारपीट की और उसको मरणासन्न स्थिति में पहुंचा के उसको नाले में मतलब ले जाके उसको दबा दिए, पत्थर से दबा दिए। जब ढूंढते हुए उसकी छोटी बहन और पिता वहां आए तब उन्होंने उसकी कराने की आवाज सुनी और फिर उसको ले घर ले जाके उससे पूछताछ की, तब उसने आरोपी का नाम बताया और फिर रिपोर्ट दर्ज की गई। तो इसमें इस प्रकार का मामला था कि एक रेप प्लस इसमें बुरी तरह मारपीट, जिसमें 307 धारा भी लगी थी हत्या का प्रयास का। इसमें माननीय अदालत ने क्या फैसला दिया? इसमें माननीय न्यायालय ने तिहरे आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।